प्रत्यक्ष अध्यक्ष रमेश जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना उद्बोधन रखे। रमेश जी, जोहर जोहर। यू आर नॉट लुकिंग वेरी मच एनर्जेटिक। यू नो वी गैदर्ड हियर टू सेंड ए ग्रेट पर्सन टू दिल्ली। हम एक रिप्रेजेंटेटिव को हमारे रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली में भेजने के लिए, जयपुर में भेजने के लिए इकट्ठे हुए। पास में ऊर्जा भी आपके अंदर झलकनी चाहिए। तो साथियों, एक बार फिर से हौसला बुलंद होना चाहिए। जय जोहर। सबसे पहले मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी क्रांतिकारी मनारों को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता, इस देश के संविधान और आन बान शाम के लिए लड़ते लड़ते मन्नारे हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सब उनको नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद हम लेते हैं कि हम आपके आशीर्वाद लेके इस देश को बचाने और इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे। यही हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज का जो चुनाव है, 2024 जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है एक जो ताकत है देश के अंदर, वो ताकत इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने के लिए लड़ रही है। उनका इस बार का नारा है कि इस बार अगर बहुमत मिलता है, अगर हम 400 से पार होते हैं, तो इस देश का संविधान बदल देंगे। मनुस्मृति लगाने के लिए वो संघर्ष कर रही है। और दूसरी ओर एक ताकत है, ये ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र आपको और भारत आदिवासी पार्टी है जो इस देश के संविधान और देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और उस सब आप साक्षी हो, आप सभी इसके गवाह। आई विल नॉट स्पीक मच बिकॉज वी वेंट टू कलेक्टिव टू सबमिट आवर नॉमिनेशंस and we worked very much and became tired and we are feeling tired. लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, दुर्गापुर की जो धरती है, दुर्गापुर की वो धरती है जहां पर एक 13 वर्षीय बालिका कालीबाई कलासवा शिक्षक के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग देती है, एक वो धरती है। और आप उस धरती से आते हो। और दूसरा बांसवाड़ा, जो बांसिया चरपोटा, बांसिया भील की जो धरती है, वहां से आप लोग आते हो। बांसिया चरपोटा का इतिहास कहता है, बांसिया चरपोटा का इतिहास ये कहता है कि बांसिया चरपोटा, बांसिया बांसवाड़ा, उमाड़ा, उमाड़ा राइट है, उमाड़ा आई थिंक इज द इनिशिएट नेम। तो उमाड़ा की स्वतंत्रता के लिए हम सामंत से लड़ते लड़ते वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आप उस धरती से हो, तो निश्चित रूप से आपका जो खून है, आपका जो डीएनए है, आपका डीएनए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और निश्चित रूप से राजकुमार जी रोत वो आवाज जो चौकसी की जनता ने विधानसभा चुनाव के दरमियान, विधानसभा के चुनाव के माध्यम से उन्होंने जयपुर के अंदर था, और जयपुर जाके ऐसे गूंगे बहरे दलाल तन्वे चाट नेताओं को बोलना सिखा दिया, उनको लोकतंत्र की परिभाषा बता दी। वो शख्सियत है जो राशि की जनता बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही क्रांतिकारी है। मैं उनको यहाँ से सलाम ठोकना चाहूंगा कि आपको जोहर, लाख लाख जोहर। और ये मौका आप आपको मिला है, क्योंकि जो 84 की जनता न सिर्फ पूरे देश के अंदर नाम कमा रही है, बल्कि विश्व के अंदर नाम कमा रही है, क्योंकि उनकी वोट की ताकत ने इस देश को हिलाया है, इस विधानसभा को हिलाया है। और 5वीं अनुसूची की बात की, ST ST OBC और माइनॉरिटी की बात करी है, वो है 84 की जनता, लोकतंत्र की पहली जनता है, लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाली जनता है। और मैं ये मानता हूँ कि 84 की जनता ने जो काम बढ़ाया है, उसका
जिम्मेदारी है और आपका नाम इस पूरी दुनिया के अंदर चले ये आपको मौका मिला है। तो और बागी दौरा क्या है? बागी दौरा जय कृष्ण पटेल और उस दूसरी तरफ भगोड़ा है, इंदिरा सिपाही के डर से भारतीय दलाल है और एक तरफ आदिवासी हीरो है जो इस देश के संविधान के लिए लड़ने वाला जय कृष्ण पटेल को जीता के इस बार बागी दौरा की भी जनता अपने ऊपर जो कलंक लगा हुआ है नौकरिया बेचने का वो कलंक इस बार जय कृष्ण पटेल को विधानसभा में अपना कलंक खो देगी। There's a lot of talk and you have listened me and I will not speak much and भैया उधर चला जाओ, इधर चला जाओ, पीछे चला जाओ, very much thank you, पीछे चला जाओ, पीछे चला जाओ।